हम आज तक कभी भी व्यूज लाइक के लिए कुछ नहीं किए, वो व्यूज लाइक के लिए कौन क्या करता है ये सबको पता है। हेलो गाइस, सो गाइस क्या मनीषा रानी ने फिर से एलविश यादव को फोक कर दिया, ट्रोल कर दिया। जी हाँ गाइस, रिसेंटली मतलब कि मीडिया वाले मनीषा रानी से सवाल पूछ रहे थे कि आपकी एलविश यादव की जो कंट्रोवर्सी चल रही है, जो या फिर हो रही है, जो कवर फोटोज के लिए उसको लेकर, ये जो मतलब कि रियल है या फिर ये सब व्यूज के लिए हो रहा है, तो उस पर मनीषा रानी ने किया कि हम भाई सब व्यूज के लिए सब कुछ नहीं करते, कौन करता है हमें सब पता है, और जो व्यूज के लिए करता है वो ज्यादा दिन नहीं टिकता है। जो कंट्रोवर्सी किया है एलविश के साथ में, सब फेक है, सॉन्ग के लिए किया है, पब्लिक इंगेजमेंट के लिए, क्या उसके बारे में क्या बोलना चाहते हैं? ठीक है कि आप हंस रहे हैं, कुछ बात है? मुझे लग रहा है मनीषा रानी को व्यूज लाइक का जरूरत नहीं है, हम जो कर देते हैं वो ऐसे ही वायरल है, और कुछ हम आज तक कभी भी व्यूज लाइक के लिए कुछ नहीं किए, वो हम आज तक कभी भी व्यूज लाइक के लिए कुछ नहीं किए, वो व्यूज लाइक के लिए कौन क्या करता है ये सबको पता है, इसलिए हमको बोलने का जरूरत है। और आई थिंक जो हमारी फैंस है, जो ऑडियंस है, वो बहुत बहुत समझदार है, आई नो दे आर वेरी इनोसेंट। मुझे लगता है हम लोग कॉन्ट्रोवर्सी करके लोग आई थिंक जो फेमस होते हैं वो कुछ दिन तक ही टिक पाते हैं, जो एक्चुअली में मेहनत करते हैं या फैन बेस बनाते हैं वो ज़्यादा दिन चलते हैं। तो जो करते हैं वो उनका तरीका है, बट आई डोंट बिलीव इन कंट्रोवर्सी, मेरा तो काम है कि मेहनत करो नाम बनाओ। जी, तो यहाँ पे मनीषा रानी ने मीडिया वालों को बताया कि जो फैन कंट्रोवर्सी करते हैं वो करते रहते हैं व्यूज लाइक्स के लिए, बट हम ऐसा नहीं करते, मेहनत करो और मतलब कि फल पाओ।